नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी मंदिर के बारे में। महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले, आप देश के चाहे कि किसी भी कोने से रहते हो, लेकिन आपको सबसे पहले मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन आना पड़ेगा, या फिर आप मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ सकते हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन आने के बाद यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास महालक्ष्मी मंदिर है। आप वहाँ पर जाने के लिए आप या तो शेयरिंग टैक्सी भी जाती है या फिर पर्सनल टैक्सी करके जा सकते हैं। महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, आगे इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मंदिर 1835 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर शुरू होने से पहले यहाँ पर एक अंग्रेज़ इंजीनियर था, वो एक दीवार बना रहा था और वो दीवार कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। जैसे ही दीवार बनाते उसके बाद वो दीवार वापस गिर जाती। उसके अंदर सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, वो बार बार मेहनत करते और बार बार दीवार गिर जाती। उसके बाद एक दिन अंग्रेज़ ऑफिसर के सपने के अंदर आया कि आप यहाँ पर खुदाई कीजिए और खुदाई करने के बाद आपको महालक्ष्मी माता उनके मतलब सपने में आई और फिर उनको बताया कि आप यहाँ पर खुदाई कीजिए, वहाँ पे मेरी मूर्ति निकलेगी और आप उसको स्थापित कीजिए, उसके बाद आप काम शुरू कीजिए। तो अंग्रेज़ इंजीनियर ने सोचा कि ये सपना पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई और खुदाई करवाई तो वहाँ पर माता महालक्ष्मी की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति प्रकट होने के बाद वहाँ पर उस अंग्रेज़ इंजीनियर ने वहाँ पे एक मंदिर सा, छोटा सा मंदिर बनवाया और उसके बाद वो दीवार का काम वापस चालू किया तो वो दीवार पहली बार में बन गई। तो इस प्रकार महालक्ष्मी की, माता महालक्ष्मी की मूर्ति प्रकट हुई और उसके बाद धीरे धीरे थोड़े दिन बाद एक व्यापारी था और उस व्यापारी ने यहाँ पे मंदिर को थोड़ा बड़ा बनवाया और उसके बाद धीरे धीरे यह मंदिर बड़ा बनता गया और अभी मुंबई के अंदर सबसे फेमस मंदिरों के अंदर माता महालक्ष्मी मंदिर की गिनती होती है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाने वाले हर भक्त की माता महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण करती है। आप यहाँ पे, आपको मैंने बता दिया कि आप रेलवे स्टेशन के थ्रू जा सकते हैं। आपको चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप या तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन उतर जाइए या CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों रेलवे स्टेशन से आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतर के वहाँ से मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़ के, मुंबई का लोकल ट्रेन का एक स्टेशन है महालक्ष्मी, या फिर मुंबई सेंट्रल उतरते हो तो मुंबई सेंट्रल से डायरेक्ट वहाँ से आप ये रिक्शा करके वहाँ से जा सकते हैं मंदिर में। उसके बगल में मुकेश अंबानी का बंगलो भी है और उसके बगल, यह मंदिर एकदम समुद्र के तट पे स्थित है तो आप वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा सा देख भी सकते हैं, थोड़ा समुद्र वगैरह भी देख सकते हैं। और वहाँ पे बगल में यदि आप हाजी अली दरगाह जाना चाहते हैं तो हाजी अली दरगाह वहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी आप यदि जाना चाहें, कोई यदि मुस्लिम कम्यूनिटी से है तो वो वहाँ पर भी जा सकता है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और आप इसका गूगल मैप पे देख के आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है, एक बार आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम आपको और भी मंदिरों के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू।